एवरीवन, आप सब ठीक का स्वागत है हमारी एक और अनबॉक्सिंग वाली वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, तो मैंने अमेजोन से एक प्रोडक्ट मंगाया है, एक चॉपर मंगाया है, हैंड चॉपर। ठीक है, तो ये देखिए ये हमारे पास आ चुका है। इसको निकालते हैं अपन पैकिंग से बाहर और दिखाते हैं कैसा क्या देखे चलने वाले हैं, कैसा ये मतलब इसका वर्क होने वाला है, तो अपन आपको सब कुछ बताएंगे। तो इस वीडियो में आप एंड तक बन रही, चलिए स्टार्ट करेंगे हम वीडियो। वैसे की करते हैं अनबॉक्सिंग, तो इसे पैकिंग से बाहर निकालते हैं। सो गाइस, ये हमारा पार्सल है, अपन इसको पैकिंग से पहले बाहर निकाल लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया, इस तरह की पैकिंग में हमारे पास आया है अमेजोन से, तो सबसे पहले हम इसे पैकिंग से बाहर निकाल लेंगे और फिर आपको दिखाते हैं। तो इसमें कागज की ही ऊपर से पैकिंग हो रखी है, तो वो इजीली हाथ से ही हम खोल लेंगे। ठीक है, मतलब एक ग्लू से चिपका हुआ था, तो इसको मैंने खोल लिया है। और बाकी मतलब काफ़ी एक बोला जाए तो छोटा सा ये प्रोडक्ट है। तो ये देखिए, ये बाहर निकल आया है। ये एक चॉपर है, जो भी क्या बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये चॉपर है जो कि पुश करने पे नीचे राउंड होता है। इससे आप चाहें तो लस्सी बना सकते हैं और चाहे तो छोटे छोटे फीचर्स में कुछ भी चीज़, टमाटर प्याज काट सकते हैं। तो इस तरह से देखिए, यहाँ पे इसकी इस तरह का मॉडल इसका होने वाला है। यहाँ पे मेंशन है, दिख रहा है, और ये चीज़ें इसमें दिखने वाली है। हमें जैसा इस पर मतलब बॉक्स पे बना हुआ इसी तरह का होगा, और इसे हमें पुश करके घुमाना होगा। तो मैनुअल ऑपरेट करने का है, कोई मशीन इसमें मतलब नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है। तो अपन सबसे पहले बाहर निकाल लेते हैं। ये देखिए, इसका मैकेनिज्म का एक पार्ट है ये। ठीक है, अब इसको हम चलिए साइड में रख देते हैं, और इसी का ये पॉलीथीन के अंदर भी दिए और उल्टा निकाल लिया, पॉलीथीन बाहर आ गई। तो ये इसका ढक्कन टाइप का होगा, जिस जो कि मतलब उसी में बॉक्स मतलब जो उसका जार है उसके ऊपर फिट होगा। ये देखिए, ये इसका जार है, और ये यहाँ पे दो चीज़ें हमें यहाँ पे दे दी है। तो एक ये होगा कट, जो मतलब चॉप करने के काम में आएगा, कटिंग करने के काम में आएगा। तो यहाँ पे एक देखिए पॉइंट दिया है सेंटर में, तो वहाँ पे हमें इस चीज़ को मतलब फिट करना होगा। तो यहाँ पे इसके ऊपर हम ये रख देंगे, सेंटर में ये रख दिया, और इसके बाद इसका तो अभी काम नहीं है, ये जूस बनाने के काम में आएगा या फिर आप लस्सी बनाएंगे तो उस काम में आएगा। बाकी हमें कुछ नहीं करना है, ढक्कन जो है ढक्कन को इसके ऊपर लगा देना है, और जो हमने सबसे पहले पार्ट निकाला था जो कि बोला था मैगनेट का पार्ट था, तो उसको हमें इसके ऊपर फिट कर देना है। तो ये जो है इसका हम शेप मिला के को यहाँ पे फिट कर देंगे। ठीक है, ये फिट हो गया। अब जो है यहाँ पे इसका लॉक दिया हुआ है, तो हम इसका लॉक यहाँ से खोल देंगे। दबा खोलना होगा, ये खुल गया, ये ऊपर आ गया। अब हम जब यहाँ से ऊपर से इसको पुल करेंगे, ये देखिए, तो ये नीचे ऑटोमेटिकली घूमेगा। तो ये लॉक वाला सिस्टम भी इसमें दिया हुआ है। ये देखिए, आप यहाँ से पुल करेंगे तो ये घूमेगा अपने आप, और जो भी चीज़ अगर अंदर होगी, प्याज टमाटर, वो कट जाएगा, उसके चॉप्स हो जाएंगे। तो चॉपर है ये एक टाइप का, काफ़ी अच्छा और काफ़ी बजट फ्रेंडली है। इसको मैंने मंगाया लगभग 200 रुपये के आसपास ये मुझे पड़ा है। अभी तो प्राइस इसका 99 रुपये था, तो आप अगर आप मंगाते हैं आगे चल के तो सकता है कम ज़्यादा ऊपर नीचे हो सकता है, बट काफ़ी मतलब सस्ता टिकाऊ प्रोडक्ट है। अगर आपके घर में लाइट नहीं है और मिक्सी नहीं चल रहा है, तो ये चीज़ मतलब आपको बढ़िया मतलब काम करके देगा। तो एक बारीक अगर मसाला आपको काटना है तो बारीक के काम में तो नहीं आएगा, लेकिन नॉर्मली जो अपन पीसते करते हैं वो काटते हैं, तो उतना काम ये इजीली कर देगा। और आपको वाकई ये देखिए इस तरह से कुड़ेल लेना, तो बढ़िया सेंटर में लगाना है, और फिर इसको उसको ढक्कन लगा देना है इस तरह से। ठीक है, और ये तो कोई काम का नहीं है, बाकी जो अपना पहला वो मैकेनिज्म था ऊपर वाला पुश करने वाला, उसको लगा देना है। वह इसी तरह से ये दिया हुआ है, इसको भी आपको वही सेंटर पॉइंट में फिट कर देना है। जो भी अगर जूस बनाना है, लस्सी बनाना है, तो उसके ऊपर से आपको ढक्कन लगा देना है यहाँ पर। और जब भी आपका ढक्कन यहाँ पर लग जाएगा, तो बाकी आपको वो जो पुल करने वाला मतलब पुश करने वाला जो मैकेनिज्म है वो यहाँ पर फंसा देना है, और ये आपका कनेक्ट हो जाएगा। और फिर आपसे फिर आप इससे जैसा भी चाहें वैसा जूस यहाँ पे बना सकते हैं। तो काफ़ी बढ़िया प्रोडक्ट है ये, मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये बढ़िया मतलब आपको काम में आएगा, आप चाहें तो जूस बना लीजिए, लस्सी बना लीजिए, और अपने दही जो भी मतलब प्याज लहसुन काटना है वो काट लीजिए। तो काफ़ी मस्त काम ये करने वाला है, और मैं इसको यूज़ करके देखूँगा कि भाई कैसा कैसे मतलब एक्सपीरियंस रहता है, तो आपको और मतलब कमेंट में डिटेल शेयर करूँगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। अपन मिलते हैं अगली वीडियो में।